Assalamu alaikum. Our new topic is altitudes in triangle. सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन कंसिडर करते हैं और ट्राइंगल में altitudes draw करते हैं, ठीक है? Altitudes का मतलब होता है किसी भी point line पे आपने height कंसिडर करनी है और height पर perpendicular distance होता है, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं. क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, वेयर मेजरमेंट बी सी इज गिवन 5.9 सेंटीमीटर, ठीक है, मेजरमेंट ए बी इज नॉट गिवन हेयर, ओनली सम एंगल्स आर गिवन, ठीक है, मेजरमेंट एंगल बी गिवन है 56 डिग्री के, और जो थर्ड एंगल है मेजरमेंट एंगल सी गिवन है 44 डिग्री के. अब देखिए हमें तीनों मेजरमेंट्स को देखते हुए आई पहले हमें बेस ड्रॉ करनी चाहिए, ठीक है. विद द हेल्प ऑफ स्केल हम यहाँ पे बेस ड्रॉ कर लेते हैं और बेस के मेजरमेंट यहाँ पे हमें 5.9 गिवन है, ठीक है. यू कैन सी हियर 5.9 तक मैंने डिस्टेंस कंसिडर कर लिया है, ठीक है. इसको हम मार्क कर देते हैं बी सी, ठीक है, और बी सी मार्क करने के बाद हम यहाँ पे 5.9 सेंटीमीटर रीराइट कर देते हैं. अब हमें यहाँ पे एंगल्स ड्रॉ करना है. विद द हेल्प ऑफ कंपास हम एंगल ड्रॉ करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं बी पॉइंट पे हमने 56 डिग्री का ड्रॉ करना है और सी पे 44. तो 56 डिग्री के लिए हम यहाँ पे एंगल 56 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है. यू कैन सी हियर कि ये 56 डिग्री का एंगल है, ठीक है. बिल्कुल इसी तरह आप कंपास को मूव करते हैं सी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे रख के हम यहाँ पे 44 डिग्रीज का एंगल मार्क करते हैं. तो 44 डिग्रीज विल बी हेयर, ठीक है. 40 से आगे हमें मजीद डिस्टेंस कंसिडर करना है, ठीक है. तो ये 44 डिग्रीज का एंगल हमने ड्रॉ कर लिया. तो पहली वर्किंग तो हमारी ये थी कि हमने एंगल्स ड्रॉ करने हैं और पॉइंट ए फाइंड आउट करना है ताकि ए बी सी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो सके, ठीक है. तो यहाँ पे आप सबसे पहले वर्किंग हमारी यही थी कि हमने यहाँ पे इस ट्राइंगल को कम्प्लीट करना था. अब हम इस ट्राइंगल से अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है. अल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करेंगे? फॉर एग्जांपल हम बी से ड्रॉ करते हैं, ठीक है. आपने क्या करना है कि बी के ऑपोजिट साइड पे कंपास को ओपन करें, ओपन करके एक आर्क मार्क करनी है, ठीक है. और वो आर्क इस तरह मार्क करनी है कि वो एटलीस्ट उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सके, ठीक है. यू कैन सी हियर कि एक पॉइंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया ये, लेकिन दूसरा पॉइंट हमें अभी तक नहीं मिला. तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसी आर्क को नेक्स्ट आप देखें कि वो इसी लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है. अगर तो वो इंटरसेक्ट इजीली कर रही है तो ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट ना कर रही हुई तो फिर हम इस लाइन को विद द हेल्प ऑफ स्केल मजीद एक्सटेंड करेंगे, ठीक है. यू कैन सी हियर ये जो येलो कलर में लाइन है, हम इसको मजीद एक्सटेंड करें और एक्सटेंड करने के बाद इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है. तो मतलब यूं प्रोसीजर होता है कि अगर वो ना इंटरसेक्ट कर रही हो तो फिर हमें वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रॉपर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है. फाइंड आउट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स पे रख के, ठीक है, आर्क्स लगानी है और वो आर्क्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है. यू कैन सी हियर कि एक हमने आर्क यहाँ रख के लगाई है और दूसरी आर्क हम इस पॉइंट पे रख के लगाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है उसमें जो एक्स्ट्रा आर्क्स आ रही हैं उनको आप रेस करते हैं, क्योंकि हमें जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए था ना, ठीक है. और जब आप इनको ज्वाइन करेंगे बी पॉइंट से ज्वाइन करके एक्सटेंड करेंगे तो ये जो लाइन है ना बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है एल्टीट्यूड को, ठीक है. एक एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर लिया है. अब हम ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं. अगर आपने ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है ना, सेम प्रोसीजर हम यूज करेंगे. ए पॉइंट पे रख के हम कंपास को रोटेट करते हैं, ठीक है, और इसके रेडियस को थोड़ा सेट कर लेते हैं. और रोटेट करने के बाद आपने यहाँ पे दो पॉइंट्स कंसिडर करने हैं, ठीक है. एक ये है और एक आप इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है. मैं इस लाइन को प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर रही क्योंकि अब आपको यहाँ से क्लियर है कि हमने कैसे ड्रॉ करनी है. जस्ट मैं
यहाँ पे जो आर इंटरसेक्ट होनी है मैं वो मार्क कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए एक्सटेंडेड लाइन हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया जाए। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है, इसको आप प्रॉपर यहाँ पे मार्क कर दें। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स पे रख के आगे आर्क्स लगानी है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो बेसिकली पॉइंट आपके पास अल्टीट्यूड का पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्पेस भी कम है इसलिए हम थोड़ा सा मजीद अपवर्ड इसको कंसीडर कर लेते हैं हियर, ठीक है, ताकि हम प्रॉपर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स पे रख के कंपस का रेडियस थोड़ा मजीद क्लोज कर लेते हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे रख के मजीद आर्क्स लगाते हैं, जहाँ पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगे ना बेसिकली वही पॉइंट हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करें कि यूं करके आर्क्स लगा दें, ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट से आपने एक को ज्वाइन कर देना है। जब आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास यहाँ पे अल्टीट्यूड ड्रॉ करेगा, ठीक है। देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस फिलहाल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर चुकी हैं और इस पॉइंट को हम बेशक आई का नाम दे दें या ओ का नाम दे दें, ठीक है, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे ओ का नाम दे रही हूँ। अब हम मजीद मूव करते हैं थर्ड एल्टीट्यूड की तरफ, ठीक है। थर्ड एल्टीट्यूड के लिए हम अगेन कंपास का रेडियस चेंज करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब सी पॉइंट से रख के हम आर्क्स लगाएंगे ना, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं उनको नोट कर लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ रहा है और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आ रहा है, ठीक है। इन पॉइंट्स पे रख के मज़ीद हमें आगे आर्क मार्क करनी चाहिए, तो कंपस को के रेडियस को थोड़ा हम चेंज करके जब हम इन दोनों पॉइंट्स पे रख के आर्क्स लगाते हैं, यू कैन सी हियर कि एक आर्क यहाँ है और दूसरी आर्क हमने दूसरे पॉइंट पे रख के कंसीडर करनी है। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लोकेशन में मौजूद है, जब हम आर्क लगाएंगे तो आर्क कुछ इस तरह से आ रही है, ठीक है। अब हम ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इसको सी से ज्वाइन कर देंगे। जब सी से ज्वाइन करेंगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि यू कैन सी हियर कि दिस लाइन ऑल्सो पासिस फ्रॉम ओ हियर, ठीक है, और यहाँ पे इसको x मार्क कर देते हैं, इस पॉइंट को y मार्क कर देते हैं और इस पॉइंट को z मार्क कर देते हैं। ये सब लाइंस जो ब्लू कलर में है ना, जो हमने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं, ये सब के सब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डेट पॉइंट इज ओ हियर,